हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विद रिया में। तो आज की इस क्लास में जो इफेक्ट हम सीखने वाले हैं वो है सॉलिड कलर इफेक्ट। क्योंकि सॉलिड कलर इफेक्ट जो है, हमें कभी कभी कोई कपड़े ऐसे दिखाने होते हैं जिनमें हमें कलर्स ही दिखाने हैं, कोई प्रिंट्स या इफेक्ट या टेक्सचर नहीं दिखाने हैं, बट सॉलिड कलर में पैचेस आ जाते हैं या पैचेस शो होने लगते हैं। तो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं आप, जिसके वजह से आपके जो फैब्रिक टेक्सचर है उसमें जो है पैचेस ना आए और एकदम इवन लुक आए। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको और आप मेरा हर नया वीडियो देख सकें सबसे पहले। एंड येस एवरी वन, आई नो आप सभी को मेरे वीडियो का वेट रहता है, बट मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं कोई भी आपके DMs का और आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाई, ना ही कोई क्लास अपडेट कर पाई। इसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड एक रिक्वेस्ट है, एक कमेंट मुझे बार बार आता है, अगेन एंड अगेन हर वीडियो में एक ही कमेंट आता है, मैम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए प्लीज़, मैम अपना कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप मुझसे पब्लिकली मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कैसे मांग सकते हैं? आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट होता है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं हर DM का रिप्लाई करती हूँ। बट हाँ, 2-3 दिन से मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। बट अब मैं जो भी DMs होंगे सबका 1 by 1 रिप्लाई करूँगी। सो यहाँ पर आप सभी मेरे हाथ में एक मार्कर देख रहे हैं जिस इस तरह से पॉइंटेड है, और ना तो ये राउंड है ना ही ये स्क्वायर शेप में, कुछ इस तरह से इसकी शेप है। तो इसी शेप का आपको जो है वो मार्कर ले लेना है और इसी से आपको जो है कोई भी फैब्रिक का सॉलिड कलर अगर आपको देना है तो आप इनसे दे सकते हैं। ये बहुत ही ईजी हैं यूज़ करने में और इतना हैंडी होते हैं, और आप इनको कैसे भी करके अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये आपके कोई भी पैचेस नहीं शो करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं कितने अच्छे से धीरे धीरे से इस पे जो है 1 by 1 लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और एक लाइन से दूसरी लाइन मिलाते हुए ही मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से क्या है कि हमारे जो सॉलिड कलर हम देते हैं उनमें पैचेस नहीं आते हैं। हम वाटर कलर ऐड करते हैं या पोस्टर कलर से कलर करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमारे पैचेस आ जाते हैं। और कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, मैम अगर पैचेस आ रहे हैं तो क्या करें? वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि किस तरह से आपको यूज़ करना है तो पैचेस नहीं आएंगे, बट स्टिल अगर आपके पास पैचेस आ रहे हैं तो आप इन मार्कर्स कलर का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजीली यूज़ होते हैं और आपको एक कॉन्फिडेंट भी मिलता है इनको यूज़ करते वक्त, क्योंकि आपके कहीं पे भी कोई भी पैचेस या लाइंस नहीं आती हैं और ये एकदम क्लीन और नीट और क्लीन इफ़ेक्ट देते हैं आपके फैब्रिक का टेक्सचर क्रिएट करने में। और बहुत सारे कलर्स के ये अवेलेबल होते हैं, और अगर आप राउंड मार्कर्स मैं नहीं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को, उन लोगों को खासकर जिनके पैचेस आते हैं, आप इस तरह के शेप के ही मार्कर्स जो हैं वो खरीदें और इन्हीं मार्कर से जो है अपना वर्क करें। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को मैं एक कॉन्फिडेंट आएगा कि किस तरह से हम अच्छे से अच्छा कलर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपको कोई भी पैच देखने को नहीं मिलेगा और कलर इफ़ेक्ट कितना प्यारा आया है। सो आई होप मेरी आज की ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो। मिलती हूँ आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।